दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव सीखेंगे। इसमें गणित किट में हमको अबाकस मिला है, ये अबाकस का स्टैंड है, एल्युमिनियम रॉड है और 50 मंजिल है। इसमें पहला स्थान है सैकड़े का और दूसरा स्थान है ढाई, तीसरा इकाई और चौथा है दशमलव के बाद का दसवां या दशांश सप्तांश। एक बटा सौ शतांश कहेंगे और एक बटा दस को दशांश कहेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे 23.12 42.4। तो इसमें शतांश से लेंगे, शतांश में है पहले स्थान पे दो मनके, तो शतांश के स्थान पे हम दो मनके डालेंगे। दशांश के स्थान पे है एक मन का, उसके बाद इकाई के स्थान पे तीन मन के, और दहाई के स्थान पर दो मन के। आराम से, ये पहला हमारा हमारी संख्या हो गई 23.12, इसे हम 23.12 लिखें। फिर इसमें प्लस करना हमें 42.45, 42.45। तो हम शतांश से डालेंगे, पहले 5 मन के डालो, 5 मन के शतांश में। अब दशांश के स्थान पर 4 मन के, इकाई के स्थान पर 2 मन के, और दहाई के स्थान पर 4 मन के। अब इसे हम काउंट करेंगे, यहाँ पे 6 मन के हैं, यहाँ पे हैं 5 मन के, काउंट करो कितने मन के हैं, काउंट करो, इसे गिनो पहले। दहाई के स्थान पे 7 और इकाई के स्थान पे तो कितना हो गया 65। दशांश में 5 7। आंसर कितना आया 65.57। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आज दशमलव का जोड़ घटाने का दूसरा सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है 26.18 और उसके बाद है 34.26। दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है अबाकस की मदद से। हमारा अबाकस और ये इस ठीक। अब हम इसे मन के की सहायता से जोड़ घटाना करेंगे दशमलव। यहाँ पर सवे स्थान पर 8 है, इसलिए हम सवे स्थान पर 8 मन के डालेंगे। 1, 2, 3, 4 आराम से 5, 6, 7, 8। अब दसवें के स्थान पर 1 है, इसलिए हम दसवें के स्थान पर 1 मन के डालेंगे। उसके बाद इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए 6 मन के डालेंगे।
और दाएं के स्थान पर दो है, इसलिए यहाँ पर दो मन के डालेंगे। अब उसके बाद इसमें प्लस करना है, तो पहले हम इसमें 6 मन के डालेंगे। इसको हम निकाल लेंगे, हाथ में ले लेंगे, क्योंकि 6 मन के हैं। 8। अब इसमें और 6 मन के डालेंगे, और 6 मन के, 6 मन के और गिन लो। हो गया, टोटल कितना हुआ? 12। पहले 10 गिनेंगे, 8 6 14 मन के को गिनो, 14 मन के है ना। 14। अब इसमें से 10 मन के निकाल लेंगे और 4 मन के को यहाँ पर डाल देंगे इसमें, और एक हासिल के रूप में मन का शतांश की जगह पे डाल देंगे, और 4 मन के दशांश में। चलो 4 मन के दशांश में और शतांश में एक मन का डाल, 4 मन के शतांश में और दशांश में एक मन का हासिल के रूप में। अगले क्या है? इसके बाद दो और डालेंगे इसमें। तो अब ये कितना हो गया? 4 तो यानी शतांश के स्थान पे 4 4 दशांश में भी 4 4। अब इसके बाद इकाई के स्थान पर कितना है? 4 है, तो इसमें 4 मन के और डालेंगे। 6 था, बाहर निकालेंगे, 6 पहले से था, पहले था 6, सब जोड़ 4 जोड़ दिए, तो 10। इसमें एक हासिल लगा देंगे और इसमें शून्य 10 मन के थे तो एक हासिल के रूप में आगे दे दिए। अब दाएं के स्थान पे 3 मन के हैं, तो अब 3 मन के और इसमें डाल देंगे। तो हमारा कुल टोटल कितना आया? 60.44। आंसर लिखो 60.44। 60.44। वेरी गुड।